ये अच्छा है कि मुझे छोटा अंडा मिला। अंडा इतना बड़ा क्यों है? कितना बुरा। ऐसा लगता है कि बेटा बहुत बदकिस्मत है। हंसना बंद करो, चलो केसी अपना अंडा खाओ। नहीं एलेक्स चलो। अच्छा ठीक है, मैं ये अंडा खाऊंगा। मैं काटने की कोशिश करता हूँ, कुछ काम नहीं करता। मैं देखो नहीं हो रहा है। सुनो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है एलेक्स, ये लो पकड़ो। हाँ धन्यवाद केसी। तो चलते हैं। अरे नहीं कितना घिनौना है। बड़ी जल्दी मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए एलेक्स। चलो अपना अंडा खाओ केसी। आसान है, देखो मेरे पास क्या है। उसके पास क्या है? ठीक है, पहले मुझे सब कुछ तैयार करने की जरूरत है। और अब एक फ्राइंग पैन में अंडे को तोड़ना और फिर फ्राई करना है। हो गया, बढ़िया तले हुए अंडे तैयार हैं। वाह बहुत अच्छा, अब खाने का समय है। यह कितना स्वादिष्ट है। खैर अब तुम्हारी बारी है बीचा। अरे नहीं। अंदर क्या है? तो यहाँ गंभीर कार्रवाई की जरूरत है। आउच, ओह, ओह। वाह, कितना अच्छा। यहाँ मुझे सुरक्षा के लिए कुछ चाहिए। वह क्या करने वाली है? ओह, ओह, ध्यान से। अरे चलो देखो कि अंदर क्या है। वाह, अरे सावधान रहो। अरे वाह इतने सारे स्वादिष्ट चीज एक साथ, बहुत खाना है। वीटा कम से कम एक यमी ट्रीट हमारे साथ शेयर करो प्लीज। अच्छा ठीक है रुको। ओके यह लो। वाह ओ कितने स्वादिष्ट ट्रीट्स हैं। वाह मेरे पास कितना बढ़िया सीरियल है। बस अविश्वसनीय, ये बहुत बड़ा है। ऐसा लगता है तुम्हारी किस्मत खराब है बेटा। हे तुम्हें जितना हंसना है हंस लो। ओह ये बहुत अच्छा लगता है। केवल एक? खैर कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी दूध है। एक बूंद, सिर्फ एक बूंद। क्या दुर्भाग्य है बेचारी बेटा। चलो अपना कॉर्नफ्लेक्स खाओ एलेक्स, मैं इसके लिए तैयार हूँ। वाह यम 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 यम। और अब दूध पीता हूँ। हाँ वाह मुझे भी भूख लग रही है। और अब एक बार में। वाह कितना बढ़िया, कितना लालची है। अब इतना स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। वाह ये बहुत अच्छा था। केसी अब तुम्हारी बारी है। All right. मैं इतना दूध कैसे पी सकती हूँ? मेरे पास एक आइडिया है। सारे कॉर्नफ्लेक्स एक बाउल में डालते हैं। हाँ ओह केसी के पास कितने सारे कॉर्नफ्लेक्स हैं। बहुत अच्छा, सीरियल की बारिश। वाह पकड़ो कॉर्नफ्लेक्स पकड़ो। सुपर, और अब थोड़ा दूध डालती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है। वाह अद्भुत। और अब खाने का समय है। ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे जानना है ये कब तक ये सब खाएगी। मेरे फनी पॉनीटेल को देखो। मैंने आखिरकार सब खा लिया। क्या हुआ?
लगता है आखिरकार कोई खाना खत्म कर लिया। ओ, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। कितना प्यारा सा केक है। वाह, कितना बड़ा स्वादिष्ट कूल केक है। बेटा देखो केसी के पास क्या है। वाह, कितना अच्छा। क्या कमाल का केक है। ओ, तुम्हारे पास कितना छोटा केक है एलेक्स। हाँ, एलेक्स के पास बहुत छोटा केक है। हंसो हंसो और मैं खाना शुरू करता हूँ। और मेरे पास एक कांटा और चाकू भी है। देखो, बिल्कुल सही साइज का। अब इसे खाता हूँ। बहुत स्वादिष्ट। ये बहुत ही स्वादिष्ट है, लाजवाब। चलो बेटा, तुम्हारी बारी है। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब खाना शुरू करती हूँ। कितना स्वादिष्ट है, असली ट्रीट। ओह, वो कितनी लापरवाही से खाती है। मैं ये सब खाना चाहती हूँ। हाँ, वो पूरी नीली हो गई है। अरे, तुम किस पर हंस रहे हो? बेहतर होगा कि तुम अपना केक खाओ केसी। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। ओह, मैं इसे नहीं देख सकता। कितना स्वादिष्ट है। केसी सावधान। नहीं, तुम्हारे चेहरे के साथ क्या है? हाँ, अरे नहीं। ओह, अपने केक के साथ गिर गई। ओह, सब ठीक है। आउच। और मैं इसको अभी भी खा सकती हूँ। मैं भी खाना चाहता हूँ। मोनिका, तुम पहले पहिया घुमाओ। नहीं, मुझे कैक्टस नहीं चाहिए। और रुको, मैं क्रीम को मना नहीं करूँगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। कैक्टस का मतलब है कैक्टस। किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। लेकिन चिंता मत करो, मैं लकी होगी और तुम मेरे लिए खुश होगी। देखती हो, मैंने तुमसे कहा था, हबा बबा गम से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं हो सकता है, और खासकर जब इतने सारे हो। मैं ये सब जल्द से जल्द रैपर से बाहर निकाल कर केक पर लगाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मुझे अब तक का सबसे चमकीला केक मिला है, और अभी यह खत्म नहीं हुआ है। और मैं अपने केक को और भी सुंदर बनाने के लिए बचे हुए गम से दिल बना सकती हूँ। कितना सुंदर है। मोनिका, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि बहुत प्यारा है। ये इसे खाने का समय है। ये तो सच में लाजवाब है। मैं एक बार में ये पूरा केक खाना चाहती हूँ। क्या मैं कम से कम वो दिल ले सकती हूँ? नहीं, मैं ये खुद खा लूंगी। क्या तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बबल देखना चाहती हो? तुम मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहती, और मैं तुम्हारा बबल नहीं देखना चाहती, तो यह लो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मेरा पूरा चेहरा अब चिपचिपा हो गया है। हंसना बंद करो, बेहतर होगा अपना कैक्टस केक खाओ। मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? कैक्टस बहुत कांटेदार है। अरे हाँ, यदि कांटों को निकाल दे तो कैक्टस उतना भयानक नहीं रहेगा। लेकिन पक्का यह नाखून की कैंची से काम नहीं आएगा। और ये बहुत बड़े हैं। मुझे लगता है कि क्लिपर्स कैक्टस को ट्रिम करने के लिए एकदम सही है। कितना बोरिंग है। हो गया, अब केवल एक ही चीज बची है, कैक्टस को मेरे केक पर डालना। यह सच में प्यारा लग रहा है। देखो कितना अच्छा है। On,
बातचीत बंद करो, अभी से खाने का समय है। आशा है कि इसका स्वाद उतना ही अच्छा होगा जितना यह दिख रहा है। ओह नहीं, यह घास के फ्लेवर वाला केक खाने जैसा है। छी, अपने केक का मजा लो। मैं पहले पहिया घुमाना चाहती हूँ। क्या यह कोई मजाक है? मुझे मसल से नफरत है। मैं इतनी बदनसीब क्यों हूँ? क्योंकि मैं भाग्यशाली हूँ और मुझे क्रीम मिल गई। और मैं यह अभी केक पर डालने जा रही हूँ ताकि इसे और भी स्वादिष्ट बनाया जा सके। मुख्य बात यह अच्छी तरह से लगाना है। हो गया, अब मैं यह खा सकती हूँ। सांता क्लॉज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नया साल थोड़ा जल्दी नहीं आ गया? तुम सिर्फ मुझसे ईर्ष्या कर रही हो। मेरे पास अभी भी मीठी क्रीम से भरा केक है। बेशक मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी। एक केक तुम्हारा भी इंतजार कर रहा है, पर हाँ, मसल्स के साथ। ये कितना बेकार होगा। आह, और इतना कड़ा। उफ, इसकी वजह से मेरा दांत टूट गया। इसके बाद मैं अभी और कभी नहीं छूंगी। तुम बिल्कुल नहीं जानती कि यह कैसे खाया जाता है। तुम इसकी शेल नहीं खा सकती हो, खाने की चीज अंदर होती है। देखो यह कितना स्वादिष्ट है। यही तुम्हें अपने केक पर डालना होगा। ओह, कितनी बदबू आ रही है। क्या मुझे यह खाना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इतना स्वादिष्ट केक कैसे खराब कर सकती हो? मैं इसे देखकर ही उल्टी कर दूंगी और मैं सच में अभी बीमार होने वाली हूँ। ओह सूजी, यह एक बहुत बड़ी मोती है। मैंने मसल्स को खोला था तो अब मेरी है। वापस करो मुझे मेरी मोती अभी दो। और अब वो कहाँ है? मुझे पहले उसे खोजना होगा। तुम क्या खोजोगी? मैं उसे ढूंढ लूंगी, वो मेरी है। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। ओह क्या, हम बेमतलब के मसल्स और केक में ढक गए हैं। इस बार पहले पहिया मैं घुमाऊंगी। ओह हाँ, मैंने सपना देखा था कि मुझे ये मार्शमेलो स्टिक मिलेंगे। उनके साथ केक नए स्वाद के साथ जगमगाएगा और इससे मस्त चोटी भी बनती है। देखो, यह पक्का मेरा दिन नहीं है। देखते हैं मुझे क्या मिलेगा। ओह, इस बार मुझे कच्चे नूडल्स का एक पूरा ढेर मिला है। हाँ हाँ, तुम्हें केक इसी से सजाना होगा। तुम किसका इंतजार कर रही हो? ओके। ओह, कुछ किया नहीं जा सकता है। ठीक है, मैं केक सजाती हूँ। पता नहीं कैसा होगा। मैंने स्वाद का ऐसा अजीब कॉम्बिनेशन कभी नहीं देखा। ओह नो। हाँ, ये बहुत खराब लग रहा है। कितनी घटिया क्रंच की आवाज आ रही है। मुझे जल्दी अपने कान बंद करने होंगे। मेरे पास एक आइडिया है। यदि मेरे केक के ऊपर उबलता पानी डालें, तो नूडल्स बहुत नरम और बढ़िया हो जाएंगे। वाह, अब मैं एक बढ़िया लंच कर सकती हूँ। मुझे पसंद आया। जब तक मोनिका अपने नूडल केक में फंसी हुई है, मैं अपने केक को मार्शमेलो से सजाऊंगी। देखो ये कितना सुंदर लग रहा है ना। बहुत अच्छा। मोनिका, इसके बारे में सपने भी मत सोचो। तुमने कहा कि तुम लंच कर रही थी, तो चुपचाप लंच खाओ और मैं इसका मजा लूंगी। मुझे नहीं लगता कि सूजी को बुरा लगेगा अगर मैं अपने लिए थोड़ा सा ले लूं। तो ज्यादा लालची मत बनो। यह क्या किया, मुझे अभी चोट लग जाती। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ये खाने में बहुत मजा आ रहा है। पहले कौन घुमाएगा? चलो रॉक पेपर सीजर हो जाए। अरे मैं जीत गई। नहीं मोनिका, तुमने मुझे श्राप दिया ना, ये क्या हो गया? मुझे आशा है कि कम से कम मैं इस बार भाग्यशाली होऊंगी। Oh, really?
आखिरकार मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपना केक मजे से खा सकती हूँ। काश मैं इन स्वादिष्ट गमी आंखों को जल्द से जल्द सजा पाती। हाँ ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं सब डाल दूंगी। कितना सुंदर। मैं तो केक पर सब कुछ लगा दूंगी। नहीं सूजी, मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगी, मैं हर आंख खुद खाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मोनिका, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने लिए कम से कम एक आंख नहीं ले पाऊंगी? तुम सही कह रही हो, मैं ये सब पूरा खुद खाऊंगी। यह कितना स्वादिष्ट है, लाजवाब। आखिर मैंने मजे से केक खा लिया और मैं आखिरी गम आंख अलग तरीके से खाऊंगी। पर बिल्कुल काम नहीं किया, लेकिन मैं ये ले सकती हूँ, ये सच में स्वादिष्ट है। चोर, तुम्हारे लिए अपने मिर्च खाने का समय हो गया है। ओह, मैं ये देखने से भी डर रही हूँ, आशा है कि मैं अंदर से नहीं जलूंगी। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, चलो इस तीखे मॉन्स्टर का बाइट ले। ठीक है चलो। ओह, मैंने एक बाइट लिया, लेकिन मैं पहले से ही अपने पूरे शरीर में फैलती आग को महसूस कर सकती हूँ। यह काफी नहीं है, तुम्हें केक खत्म करना होगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी खराब हो। ओह, ओह नहीं, ओह आग बहुत है। सूजी को बचाने का समय आ गया है। अब मैं ठीक हूँ, धन्यवाद मोनिका, आखिर तुम एक सच्ची दोस्त हो। नमस्ते, यहाँ आपके पार्सल है, आप इसे ले सकते हैं। ओह धन्यवाद। चलो अब देखते हैं कि उन्होंने मेरे बॉक्स में क्या रखा है। ओह गुलाबी पोछा, बढ़िया है। यह निश्चित रूप से मुझे अपने फेवरेट घर से जालों को ग्लैमरस तरीके से हटाने में मदद करेंगे। ओह कितना विशाल मकड़ा है, डर के मारे कहीं मेरे सारे बाल ही सफेद ना हो जाए। ओह नहीं, यह कितना विशाल मकड़ा है। वाह, मेरा वैक्यूम क्लीनर सारे मकड़ों को अपने अंदर खींच लेगा। और मेरे लिए क्या है? या रबर के दस्ताने। अब मैं अपने सपनों के घर से कचरा साफ कर दूंगी। सबसे पहले जाले, बढ़िया। वाव किम, हाँ मुझे पता है कि मैं वाव हूँ। यह गुलाबी कालीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे घर के अस्तर के लिए इसकी जरूरत है, इसलिए मैं एक स्टेपलर पकड़ती हूँ और इस खूबसूरत नरम गुलाबी कालीन के साथ घर को ढकना शुरू करती हूँ। मुझे यह रंग बहुत पसंद है, खिड़कियों के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, और यह दिल घर की छत पर अद्भुत लगेगा। सभी को पता चलना चाहिए कि सुंदर की मिहा रहती है। और अब मुझे बालों को थोड़ा ट्रिम करने की जरूरत है, लेकिन मेरे नहीं घर के। इसके लिए उसकी देखभाल की जरूरत है, जो मैं हमेशा सुंदर रहने के लिए अपनी करती हूँ। और मेरा मुलायम घर तैयार है। ओह लगता है वो घर सजा रही है, मैं भी करूँगा। और मुझे इसके लिए नीली प्रिंगस की जरूरत होगी। आखिर मैं बचपन से ही इन चिप्स को खाता आया हूँ और साथ ही इन डब्बों को जमा करता आया हूँ। मुझे इस समय के लिए उनकी जरूरत थी। और यहाँ मेरे फेवरेट नीले गमी रहेंगे। लेकिन इतना ही नहीं है, ओरियो, मुझे ये कुकीज बहुत पसंद है। चलो इसे छत पर चिपका दे। वाह ये यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और एक झंडा तैयार। आउच मिया, तुम वहाँ क्या कर रही हो? ओह मैं बलून फुला रही हूँ। ये पीले बलून मेरे घर को सजाने के लिए एकदम सही है। मुझे सभी बलून्स को फुलाना होगा ताकि एक घर के लिए काफी हो। और यह आखिरी वाला। ओह मैं थक गई हूँ। ओह मुझे आंखों के सामने तारे नजर आ रहे हैं। ओह मिया तुम कैसी हो? मैं एकदम ठीक हूँ। अब मैं अपने घर को सजाऊंगी, तो चलो नीचे से शुरू करें और ऊपर जाएं। ये पीले बलून मुझे लंबे सॉसेस की याद दिलाता है। हाँ ये बहुत फनी लगेगा। लग रहा है मेरा घर हवादार और रंगीन होगा और मेरा काम हो गया। वाव केले बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे और चाहिए। चलो एक गड्ढा खोद लिया और अंदर एक केला डाल दिया, बढ़िया। अब इसमें पानी डालेंगे और फिर थोड़ा इंतजार करेंगे। वाव मैंने कितना सुंदर पेड़ उगाया है। ओ, और यहाँ मेरे फेवरेट केले हैं।
और यहाँ मुझे पक्का से अपने सन बेड की जरूरत होगी जिस पर मैं आराम कर सकती हूँ। मैं अपने सिर को ढक लेती हूँ ताकि धूप न लगे। ओ केले, मुझे लगता है अगर मैं एक दो खा लूँ तो पड़ोसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं इधर मत आना। अच्छा ठीक है, तो मुझे कुछ जल्दी से सोचना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ओ हाँ, मेरे पास एक कार है, लेकिन मैं इसे कहाँ रोल कर सकता हूँ? अब मैं एक विशाल रेसिंग स्लाइड बनाने जा रहा हूँ। इसे यहाँ लगाया और इधर भी। वाव कितना अच्छा, यहाँ कार को और यह फोर। वाव कितनी तेजी से आ रहा है, कितना अच्छा। आह ये लड़के भी ना बस। खैर मेरे पास यहाँ कुछ और दिलचस्प चीजें हैं। यहाँ कुछ उपकरण और मेरे झूले के हिस्सों का एक छोटा सा सेट है, मुझे बस इकट्ठा करना है और मैं इसे कुछ ही समय में कर लूंगी। बस इस तरह से। वाव मेरा गुलाबी झूला तैयार हो गया और मैं अपने यूनिकॉर्न के साथ यहाँ खेल सकती हूँ। बहुत बढ़िया, और यहाँ मेरा मेल बॉक्स एकदम सही रहेगा। वाव मुझे भी एक मेल बॉक्स चाहिए। अक्सर मेरे फैंस मुझे लेटर भेजते हैं। मैं फूल को पेंट में डुबो कर मेल बॉक्स पर फूल प्रिंट कर दूंगी। कितना सुंदर है। वाव फूल, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मुझे भी मेल बॉक्स चाहिए। हिप्पो बॉब से मिलो, यह मेरे मेल की रक्षा करेगा। हेलो सभी को, हेलो, मैं पोस्टमैन सैम हूँ और मैं तुम्हारी चिट्ठियाँ लाया हूँ। वाओ तुम्हारा मेल बॉक्स कितना अच्छा है मिस, यहाँ तुम्हारा लेटर है। ओह गुड आफ्टरनून मिस्टर डैन, मैं तुम्हारे लिए भी लेटर लेकर आया हूँ। दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए कोई और मेल नहीं लाऊंगा, अपना मेल बॉक्स बदलो। और यहाँ कौन रहता है? वाओ क्या खूबसूरती है। मैं ओ, 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 माफ करना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। यह अजीब था। यहाँ आपका लेटर है, मेरी मिस यूनिवर्स। धन्यवाद, मुझे जाना है, जल्दी मिलते हैं। इस कार से मैं बोर हो गया हूँ। हाँ मैंने अभी तक घर के अंदर कुछ नहीं किया है, मुझे जल्द ही अपने सपनों का घर बनाना है। ओह यह यहाँ कितना खाली है, मुझे यहाँ कुछ अच्छा चाहिए। मैं दीवारों से शुरू करूँगा, दीवारों पर नीला रंग एकदम सही लगेगा। अब मैं सब कुछ पेंट करूँगा। ओह मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है, अब आगे क्या करूँ? ओह हाँ बिल्कुल कालीन, ये सॉफ्ट पजल्स एक असली लड़के के कमरे में शानदार दिखेंगे। पर कुछ कमी है, यहाँ मेरे खिलौनों के साथ एक दीवार होगी और वे यह रहे। वाह अब मैं यहाँ सब कुछ लटका देता हूँ ताकि सभी जान जाए कि मैं कूल हूँ और मैं केवल कुछ खिलौनों के साथ खेलता हूँ। यो और ब्लू मैन हर चीज की रक्षा करने के लिए, और दीवारों पर मेरे कुछ पेंटिंग्स और क्रिस्टल्स, कभी भी खराब नहीं लगेगा। ओह और मुझे इस टेबल की भी जरूरत होगी। वाओ और इस पर रखने के लिए मेरे पास कुछ है। या मेरे हैमस्टर के लिए घर, मेरे छोटे हैमस्टर पीट से मिलो, वो मेरे साथ रहेगा। और यह बीन बैग मेरे लिए है। अब सब कुछ तैयार है, कूल, अब आराम कर सकते हैं और मेरे छोटे दोस्त के साथ मजा कर सकते हैं। वो मेरे गेम्स के लिए लकी होता है। मुझे मेरे सपनों का घर मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ, यह अद्भुत है। ओह मैं भी अपने कमरे को महल की तरह सजाना चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं अपना मैनिक्योर कर लेती हूँ। ओह ये गुलाबी नाखून किसी को भी दीवाना बना दे। और ये दीवारें इतनी सफेद क्यों है? ऐसे नहीं चलेगा, तुरंत इसे तुरंत गुलाबी रंग से पेंट करना होगा। चलो। वाह कितना प्यारा है, पूरे कमरे में दिल ड्रॉ कर दिया, बहुत सुंदर लग रहा है, बिल्कुल मेरी तरह। वाह मेरा गुलाबी कमरा, लेकिन फर्श खाली है, अच्छा नहीं लग रहा है। गुलाबी कालीन अब चलन में है, और यहाँ कुछ दिल और एक सुंदर लाइट यहाँ अच्छी लगेगी। बढ़िया, मैं सभी के लिए प्यारे किसेस भेज रही हूँ। और मेरे पास यहाँ क्या है? यह सुपर लंबे हाथ पैर वाला गुलाबी जिराफ, मेरी ओरिजिनल पेंटिंग यहाँ पर। बहुत अच्छा, और यह टेबल यहाँ पर अच्छा है। मेरे पास अपना सामान रखने के लिए कोई जगह नहीं है, और यहाँ एक आईने के साथ एक अच्छी टेबल होगी ताकि मैं हर दिन सुंदर दिख सकूं। ओह मेकअप को अपडेट करना जरूरी है, मैं चमक रही हूँ, मेरे बाल सबसे नरम है,
और एक अच्छा परफ्यूम सफलता की कुंजी है। अब मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ। ओह, मेरा कमरा तैयार है, ये सबसे सुंदर है। ओह, मैं तुम्हें इस घर की एक और सुंदर चीज से मिलवाना लगभग भूल गई। ये मेरी बिल्ली मार्टा है। ये सफेद दीवारें मुझे दुखी करती हैं। मुझे इसे तुरंत ठीक करना होगा। और मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। पहले हम दीवारों को चमकदार और अधिक पॉजिटिव बनाने के लिए पीले रंग से रंग देते हैं। मैं पेंट डालती हूँ और इसे रोलर से मिलाती हूँ। मुझे दीवारों पर पेंट करना बहुत पसंद है। अब मैं सूरज ड्रॉ करूंगी। देखो यह कितना आसान था। और इसकी किरणें इस तरह से। वाओ, चलो तुम पर भी पेंट लगा देती हूँ। और दीवार पूरी तरह से तैयार है, लेकिन फर्श खाली है। यहाँ पर बालू की जरूरत है। मुझे सी बीच की बालू बहुत पसंद है। ये बहुत नरम और गर्म है। हाँ, थोड़ा और डाल देती हूँ। बहुत बढ़िया। और दीवारों पर कुछ पोस्टर्स की भी जरूरत है। मेरे पास एक नाजुक फूल और एक फूल बत्तख है, यहाँ और यहाँ। वाओ, और इस मेरे रैक को देखो। और मैं लगभग अपने फेवरेट दोस्त के बारे में भूल गई, एक डक सॉफ्ट टॉय। यह सब कितना अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें यहाँ रखूंगी। और मुझे एक टेबल की भी जरूरत है। मुझे एक छोटी कुर्सी भी चाहिए। यह पीला इन्फिलेटेबल सर्कल एकदम सही है। यह इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा गिटार बजाने का मन हो रहा है। हाँ, आपको यह कैसा लग रहा है? मैं बाद में एक म्यूजिक कंसर्ट करूंगी, लेकिन अभी के लिए यहाँ। छत पर फूल सही होंगे। और मेरे प्यारे पालतू जानवर की एक तस्वीर, ये बहुत प्यारा है। मैं उससे प्यार करती हूँ। वैसे रिचि खुद कहाँ है? रिचि, मेरे पास आओ। हेलो मेरे दोस्त, चलो खेलते हैं। तुम्हें खेलना पसंद है ना? आओ साथ में गाते हैं।